केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु में अंतिम संस्कार किया गया। अनंत कुमार के छोटे भाई नंद कुमार ने अनंत कुमार की चिता को मुखाग्नि दी। अनंत कुमार का अंतिम संस्कार ब्राह्मण रीति के अनुसार हुआ। वैदिक श्लोकों के उच्चारण के बीच उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु के चामराजपेट शमशान घाट पर किया गया। तो लंबी बीमारी से अनंत कुमार जूझ रहे थे और उनका निधन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अनंत कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि काफी लंबे वक्त से अनंत कुमार बीमार भी थे, विदेश से अपना इलाज भी उन्होंने कराया। उसके बाद वो भारत लौटे और बेंगलुरु में ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस बेंगलुरु के अस्पताल में ली। तो यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को कुंभ नगरी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। इलाहाबाद अब आधिकारिक रूप से प्रयागराज कहलाएगा और इससे पहले फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करने का निर्णय लिया गया था, जिसे मंगलवार की बैठक में पारित कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही संतों ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भी दिया था, जिसके बाद यूपी सीएम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया था। शहर का नाम बदलने के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दिया जाएगा। गौरतलब है कि अगले साल होने वाले कुंभ से पहले इलाहाबाद चर्चा का केंद्र बना हुआ है। योगी सरकार कुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। शहर में जीर्णोद्धार का भी काम शुरू युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं अभी तक समय से पहले ही योगी सरकार ने ऐतिहासिक मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया था और इसके अलावा कई योजनाओं और स्थानों का नाम बदला जा चुका है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आकाश और शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं लगातार, और अगर हम बात इलाहाबाद की करें तो इलाहाबाद चर्चा का विषय बना हुआ है, केंद्र पर बना हुआ है, लेकिन योगी सरकार ने कुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर एक तरफ तैयारी भी शुरू कर दी है, तो वहीं जिस तरीके के नाम को लेकर यहां पर ऐलान कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए प्रीति, जब इलाहाबाद में जो है, जब इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज रखने की बात कही गई थी और उसके बाद फैजाबाद में जो है फैजाबाद का नाम अयोध्या रखने की बात भी हाल ही में कही गई थी, कुछ समय दीपोत्सव वहां मनाया जा रहा था, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो औपचारिक रूप से इसका जो प्रस्ताव होता है वो कैबिनेट में लाया जाता है। वो अभी तक लाया नहीं गया था तो उसका एक संशय बनाया हुआ था, क्योंकि ये वर्बली चीजें कही गई थी और लिखित रूप में जारी किया गया था, लेकिन जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर को पूरा करने के लिए कैबिनेट की जरूरत होती है, जो आज पूरी की गई, क्योंकि आज यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक थी और उसमें इलाहाबाद मंडल का नाम जो है प्रयागराज मंजूर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और वैसे ही फैजाबाद जिले को जो है अयोध्या। आकाश, क्योंकि जो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, जिस तरीके से ऐलान इसका किया गया था, उसके बाद आज कोर्ट इस पर सुनवाई भी कर रहा था और ये भी पूछा था कि क्यों ये नाम बदला गया है, इस पर क्या कुछ कहा गया? देखिए, कोर्ट की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस आस्था की वजह से ये जैसे प्रयागराज, क्योंकि तीन नदियों का संगम होता है इलाहाबाद में और संगम की वजह से इलाहाबाद जाना जाता है और प्रयाग इसका शुरुआत में नाम भी रहा है, तो प्रयागराज का नाम इसीलिए प्रयागराज किया गया है। इलाहाबाद में काफी समय से, क्योंकि जो है वो श्री राम की जो है जन्मभूमि रही है, कार्यस्थली रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या जो कहा जाए तो अयोध्या उसका नाम था पहले, तो अयोध्या को उसका पूर्व नाम दिया जाना ये जो है जनहित में जो है किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार की इन सारी चीजों को लेकर के कोर्ट में जो भी फैसले होते हैं वो उसमें कोर्ट इन सभी चीजों का ध्यान देता है, क्योंकि पूर्व में भी कई जो बसपा सरकार रही थी उसमें भी कई जो है नाम बदले गए हैं जिलों के, उसमें भी कोर्ट ने कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया, तो ऐसी उम्मीद है कि इन मामलों में भी कोर्ट ने हस्तक्षेप ना करेगी। जी आकाश, अगर हम बात अभी इलाहाबाद की करें, क्योंकि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, क्या क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि कब तक इनके नाम भी बदल दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि कैबिनेट में जिस तरीके से अगर बात करें तो कैबिनेट में जिस तरीके से आज नोटिफिकेशन जो है इस प्रस्ताव पर जो पास किया गया है,
इसके बाद गजट जारी किया जाता है यूपी सरकार की तरफ से, और उसमें वो सभी चीजें जो है दर्शाई जाती हैं कि वहाँ पे किन किन चीजों के नाम किन किन तरीके से दिए जाएंगे या रखे जाएंगे। उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जिले की शुरुआत की गई है और फैजाबाद का जो है नाम और इलाहाबाद का नाम चेंज करके जो है जैसे कि इलाहाबाद का जो है प्रयागराज और फैजाबाद का जो है अयोध्या रखा गया, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी चीजें हैं जैसे इलाहाबाद कोर्ट है